नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोभी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की हिरासत में है, तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी के तहत पीएम मोदी की आज राजस्थान में जालौर में चुनावी जनसभा होने वाली है। आपको बता दें कि वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जालौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को खोखला करने का आरोप लगाया। जालौर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोमांचक मुकाबला है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच सीधी टक्कर है। राजस्थान की 25 में से बची हुई 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। कर रही है, अगर यहाँ कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमन पर उतरी नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है, और साथियों आप जानते हैं गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर पंडित नेहरू ने उसका शिलान्यास किया था, और फिर कांग्रेस ने ऐसे लटकाए रखा, मोदी ने आकर के इसको पूरा किया। बताइए कितने साल हो गए, और मुझे उपवास पर बैठना पड़ा था। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार के सामने नर्मदा बांध को लेकर के उपवास पर बैठना पड़ा था। क्यों? कि मुझे मेरे गुजरात को भी पानी देना था, मेरे राजस्थान को भी पानी देना था, और इसलिए मैंने उपवास किए थे। और तब मैंने वहां एक सुजलाम सुफलाम योजना बनाई थी। कोशिश यही थी कि कड़ाना बांध से पानी किसानों के खेतों तक पहुंचे। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से आज नर्मदा का पानी बाड़मेर और जालौर जिले के भी 1,500 से अधिक गांवों तक पहुंचा है। फर्क देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का फर्क है। हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो अड़ोस पड़ोस में पानी के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं, और पानी समंदर में जाता है। राजस्थान में पानी पहुंचा क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार थी। राजस्थान को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, राजस्थान को कोई आवेदन पत्र देने के लिए गांधीनगर नहीं आना पड़ा। मैं अपना कर्तव्य मानता था, अगर प्यास पानी की जरूरत गुजरात को है तो राजस्थान भी तो मेरा है, उसको भी तो पानी मिलना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री था तब, मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तब भी राजस्थान मुझे मेरा लगता था, और इसलिए जालौर बाड़मेर के किसानों को खेत में पानी पहुंचाया जी। लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। हम सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इस पर काम कर रहे हैं। और अगर भी मेरी यहां के किसानों से मेरी प्रार्थना है कि अगर अब भी आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन पर आएंगे तो ये जो पानी है जितने परिवारों को मिलता है ना, उससे 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा।
ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। आपके पड़ोस में बनासकांठा ने करके दिखाया है, ये आपके देवजी भाई को पूरा पता है। वहां पर पानी बचा करके पानी पहुंचाया है, यहां भी पहुंचाया जा सकता है। और इससे यहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में जीरा, सौंफ, इसबगोल जैसी अनेक कैश क्रॉप की पैदावार और बड़ी मात्रा में हो सकती है। साथियों, कांग्रेस ने तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और यमुना के पानी को पहुंचाने में भी अड़चनें पैदा की। ये भाजपा ही है जिसने इसके लिए समाधान के लिए प्रयास किया। हरियाणा में भाजपा सरकार, राजस्थान में भाजपा सरकार, हमारे भजन लाल जी बराबर मैदान में उतर गए, मामला निपटा दिया, काम आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी तपस्वी कार्यकर्ता है, जीवन खपा देने वाले कार्यकर्ता है, और पानी की समस्या की इतनी बारीकियों को जानते हैं वो, और उनके समाधान के लिए वो समर्पित है। और अब मेरी खुशी है कि हमारे भजन लाल जी भी ऐसे ही कर्मठ मुख्यमंत्री हमें राजस्थान को मिले हैं, तो इन सारे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने कमर कस के काम शुरू कर दिया। साथियों, इस क्षेत्र में खेती किसानों को मुनाफेदार बनाना मोदी का लक्ष्य है। मोदी ने छोटे किसानों के मोटे अनाज यानी श्री अन्न को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया है। हमारा बाजरा अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भोजन पे थाली में बाजरा मेरा राजस्थान का परोस के देखा है। सारी दुनिया में मैं समझाता हूं ये मेरा सुपर फूड है। ये हमारे छोटे छोटे किसानों ने कम पानी की लागत से बनाया हुआ, ये पैदा किया हुआ फसल, जो मोटा अनाज, जो अब श्री अन्न है, मैं दुनिया में पहुंचा करके रहने वाला हूं। और इसका फायदा भी ये मेरे छोटे छोटे किसानों को होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी जालौर और सिरोही जिले के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये क्षेत्र गौ माता की जय करने वाला क्षेत्र है। मोदी ने गौ माता को, हमारे पशुधन को मुफ्त टीकाकरण करने की गारंटी दी है। भाजपा सरकार ने खुरपका मुंहपका बीमारी को खत्म करने के लिए अकेले राजस्थान में करीब 1 करोड़ पशुओं का मुफ्त टीकाकरण किया है। यहां जालौर में भी 1.5 लाख और सिरोही में करीब 80,000 पशुओं को टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा हम गोबरधन, बायोगैस और जैविक खाद के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो गोपालकों को और समृद्ध करेगा। भाइयों और बहनों, जालौर सिरोही का ये पूरा क्षेत्र अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब देखिए, हमारे पास माउंट आबू है, यहां बड़े बड़े मंदिर हैं, ऋषियों और मनीषियों की ये तपोस्थली है। यहां नौजवानों को पर्यटन सेक्टर में रोजगार, स्वरोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अंबाजी में जो सुविधाएं तैयार हो रही है उसका लाभ राजस्थान को भी मिलने जा रहा है। पर्यटन को अच्छी कनेक्टिविटी से बहुत लाभ होता है, इसलिए हम इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एक क्षेत्र तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है, इससे यहां के ग्रेनाइट उद्योग को बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, 10 सालों में आपके आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम पूरे हुए हैं, लेकिन इतना सारा मैं कह सकता हूं, घंटों तक कह सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तो क्या कहता हूं, ये जो किया है ना, बहुत है औरों की तुलना में, लेकिन मोदी के लिए तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है, और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। भारत को दुनिया की
तीसरी आर्थिक ताकत बनाना है, विकसित भारत विकसित राजस्थान बनाना है। इस काम में हमें आपका साथ चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। 26 अप्रैल है मतदान का दिवस। 26 अप्रैल को लुम्बाराम जी को कमल के निशान वाले बटन को दबाकर संसद में मेरे साथ बैठने के लिए भेजना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर हमला बोला है और भी कई मुद्दे जिस पर चर्चा हम आगे करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, आपका स्वागत है। अजीत मेंदुला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय कुमार झा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत। आलोक जी शुरुआत आप ही से, दूसरे चरण को लेकर तैयारियां चल रही हैं, एक बार फिर परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमला बोल रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, भले ही विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता है, लेकिन ये भी जानकारी मिली कि वहां पर वोटिंग जो शेयर था बीजेपी का, वोट शेयर कम हुआ है इस बार। क्या इसी वजह से जो तमाम दिग्गज हैं, खुद प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं? क्योंकि ये आप और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के या चुनाव में राहुल गांधी जी के भी दो पार्टियां हैं, अखिलेश जी हैं, जितनी पार्टी के नेता हैं, सब लोग के प्रोग्राम पहले से बने होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि खाली इसलिए वो राजस्थान जा रहे हैं या उसके बाद गुजरात जाएंगे या मध्य प्रदेश जा रहे हैं, क्योंकि ये चूंकि 7-8 चरणों में चुनाव है, ऐसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जो कम हुआ है, जैसे कल भी हमने चर्चा की थी, वोटिंग कम होने पर इस तरह से जाने से जाकर के वर्कर्स के बीच में या पार्टी के लोगों को या जनता के बीच में, इवन आज तो वो जैन समुदाय वहां भी गए, तो उन्होंने यही है कि लोग ये ना सोचे कि भाई ठीक है अपना घर में सुबह के समय निकल जाए वोट डालें, तो वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री और पूरे देश में आप और हम भी इसी बात की अपील करते हैं, ऐसे अभियान से। आप परिवारवाद की जहां तक बात है, चूंकि वैभव गहलोत वहां चुनाव में है, अशोक गहलोत के बेटे, राहुल गांधी प्रियंका का तैयारी है कि वो लड़ेंगे, या रॉबर्ट भी तैयार है कि मैं लड़ लेता हूँ, इस तरह के मुद्दे वो आज से ही पहले से उठाते रहे हैं। इसलिए मेरा लेकिन मानना है कि इस तरह के अभियान को इसीलिए इस समय चुनाव में, चूंकि गर्मी में राजस्थान हो दूसरे प्रदेश हो, वहां पर चुनाव के लिए लोगों को उत्साहित करना, अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की जो बात कही जाती है वो पूरे साल होना चाहिए वैसे, लेकिन इस समय तो और